स्वागत है आज के इस वीडियो में। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में बताने वाले हैं। दो अंक के जो प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं वो देखिए क्या है, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए मौजूद है। ये थ्योरी का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आज जो दो अंक के मौजूद है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और बहुत ही सरल होता है। क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए, बस इतना ही आपको क्वेश्चन यहां से यहां तक बोल देगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो दाएं हाथ का नियम इस तरह से फिगर है, तो फिगर आपको नहीं बनाना है। फिगर मैं इसलिए बनाया हूं क्योंकि आपको समझा सकूं। तो जब फिगर बनाएंगे या जब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्वेश्चन आ जाएगा तो परीक्षा हॉल में आप अपने दाएं हाथ को अपने संकेत के अनुसार रख कर उससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हमारी अंगूठा जाती है वो चालक की गति की दिशा की तरफ जाएगी और सामने की चुंबकीय क्षेत्र और नीचे प्रेरित धारा की दिशा में जाएगी। तो ये तीन चीजें जो अलग अलग धारा जा रही है इसी को हमें एक थ्योरिकल भाषा में लिखना होता है। अगर यही चीजें आप लिख लेते तो वहीं पर हमारा दो अंक मिल जाता है। चलिए लिखते कैसे ये देखिएगा, लिखना है हमें उत्तर में, जब कोई रिजुरेखी चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति करता है तो इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने दाएं हाथ के नियम के संपर्क में बताया कि मैं अगर दाएं हाथ को इस तरह फैलाऊं जो तीनों एक तरह लंबवत हो। देखिए तीनों लंबवत क्या है, एक सीधी रेखा में एक ऊपर है और एक ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है ना कि नीचे की तरफ है। तो ये तीनों क्या है, एक तरफ लंबवत दिशा में है। तो उन्होंने बताया कि मैं दाएं हाथ को इस तरह फैलाऊं कि उसकी तीनों जो हमारी उंगली है वो लंबवत हो। तो लंबवत की दिशा में उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने बताया यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा, पहले अंगूठे की बात करेंगे, तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं, फैलाने के लिए कैसे फैला सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार फैलाना है कि वो परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ठीक, हमें लंबवत फैलानी है, तो लंबवत आप फैला सकते हैं। फिर जब लंबवत फैला लेंगे तो वहां पे इसका अलग अलग मान पता चलेगा कि कौन सी उंगली कौन सी धारा को प्रदर्शित करेगा। जैसे तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में, दो मिल गया, संकेत करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित वैद्युत धारा की ओर संकेत करेगी। तो ये तीन धारा अलग अलग प्रेरित करने के लिए फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम का बताया कि इस तरह से तीन अलग अलग हमारा जो संकेत मिल रहा है इसको हम चालक की गति की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र में और प्रेरित धारा की दिशा में बताते हैं। अगला क्वेश्चन उठकर आता है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो श्योर है वही क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो नियम बनाए गए हैं, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। तो दोनों नियमों को आप पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया होगा। मैं यहाँ पे प्रथम नियम भी बता देता हूँ, सेकंड नियम भी बता देता हूँ वो कैसे है। ठीक, क्योंकि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम अगर नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पीडीएफ फाइल में दे रखा हूँ, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कि इसका वैद्युत प्रेरण चुंबकीय नियम क्या है। चलिए प्रथम नियम हम आपको बता देते हैं। आपको उत्तर में लिखना है, जब किसी परिपथ में, देखिए किसी परिपथ की बात हो रही है, जब किसी परिपथ में बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आपको पता चल गया, जब किसी परिपथ में बद चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा, किसमें, चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। अगर यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बस इतना ही आपको लिखना है जो प्रथम नियम फैराडे के नियम बताता है। तो प्रथम नियम मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके इसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं। चलिए द्वितीय नियम को भी बता देते हैं। द्वितीय नियम में आपको हेडिंग डाल के लिखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आगे लिखना है, यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर फाइ वन है तो और डेल्टा टी समय अंतराल के बाद यह फ्लक्स फाइ टू हो जाए तो डेल्टा टी समय अंतर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, फाइ टू माइनस फाइ वन इज इक्वल टू डेल्टा फाइ हो जाएगा। ठीक, अगर परिवर्तन करते हैं दोनों में, जैसे फाइ वन और फाइ टू में हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन हो गया,
और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डेल्टा टी, जो परिवर्तन होता है उसके लिए डेल्टा लगाते हैं, परिवर्तन हो गया। फिर आगे लिखना आपको, यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई मान लेते हैं तो ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव अपन डेल्टा टी, जब इसका लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो तो हो जाएगा ई बराबर माइनस लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस मैंने बाहर कर लिया डेल्टा फाइव अपन डेल्टा टी। ठीक, अब इसके बाद लिमिट को हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपन डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमें ये विद्युत वाहक बल का मान मिल गया है। इसके बाद अब आपको लिखना है कि कौन किसका क्या मान है। जैसे ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे नीचे एक लाइन कि जो माइनस है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, यह लेंज के नियम भी कहलाता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा तो आपको पूरे दो अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं आपको थ्योरिकल लेकर आने वाला हूँ।